हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपके घर वाले अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा। तो दोस्तों, मैं आज बिहार में हूँ, दरभंगा में हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ हूँ कि मैं बिहार जा रहा हूँ, दरभंगा जा रहा हूँ, अपने दूसरे होम टाउन में जा रहा हूँ। तो दोस्तों, फाइनली मैं बिहार के दरभंगा में मैं आ चुका हूँ। और मेरा यही फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ कोई अमेजिंग व्यू है, कोई अमेजिंग चीज़ है तो आपको दिखाने की मेरी कोशिश रहती है। अभी मैं आया हुआ हूँ दिल्ली रोड पे। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये दिल्ली रोड है जो पटना होते हुए इधर से सीधा जो है ना, पटना होते हुए आप दिल्ली पहुँच जाएंगे, यूपी होते हुए, यानी लखनऊ, कानपुर पहले, उसके बाद उससे पहले इलाहाबाद, तो दिल्ली पहुँच जाएंगे। और इस तरफ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो इस तरफ से जो है आप सीधा पहुंच जाएंगे सिलीगुड़ी, सिक्किम, इस्लामपुर और किशनगंज, ये सीधा है। और मैं आपको ये जो है ना, हाल फिलहाल 5 महीना हुआ है इस रोड, सॉरी 4 से 5 साल या 10 साल, मेरे 10 साल नहीं हुआ होगा इस रोड को बने। और पहले जो रोड था वो भी मैं रोड दिखाऊंगा, मैं आपको पहले मैं इस रोड को मिलकर दिखा दूँ, थोड़ा मुझे इमेजिंग लगता है दोस्तों ये वाला रोड। और इससे ये होगा कि मैं आपको दरभंगा का और मैं अपने गाँव के जो आसपास का जो एरिया है वो मैं आपको दिखा दूँ। तो ठीक है दोस्तों, इस जो एरिया का, इस रोड का थोड़ा सा सफ़र करते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बिहार का, अपने एरिया का थोड़ा सा हिस्सा। बाकी कुछ दिन हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करूँगा, पूरा अपने जो जितना ज़्यादा ज़्यादा एरिया है, जो यहाँ की जो खास टिप्स है वो मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने का। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल इसको देखते हैं, इसका लुत्फ उठाते हैं दोस्तों। दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे साथियों, देख रहे हो, मेरे जो गांव है उसके आसपास का एरिया है, बीच में रोड है, जो कि बहुत ही शानदार नज़ारा लग रहा है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं, मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूं, क्योंकि मेरी बहन की जो है तबीयत ख़राब है, और मैंने कहा कि बहन बीमार है और सबसे पहले जो है बहन से मिलना चाहिए। तो मैं अपने बहन के घर जा रहा हूँ, और ये जो है रास्ते का नज़ारा है, जो कि मुझे लगा कि दोस्तों आप लोगों को दिखाना चाहिए। जो भी मैं यहाँ पे जो भी ज़िंदगी जीऊँगा, जो भी मेरे साथ जो है यहाँ पे चीज़ें होंगी, बातें होंगी, सफ़र होगा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों। ये आप देख सकते हैं आजू बाजू का पेड़ पौधे, हरियाली यहाँ की। अभी सावन का महीना है, थोड़ा बादल सा लग रहा है और काफ़ी अच्छा जो है ना जो है मौसम है, ये देख सकते हैं दोस्तों कैसा लग रहा है दोस्तों। पर एक ज़माना था कि ये जो रोड, जिस रोड पर मैं चल रहा हूँ दोस्तों, एक ज़माना था मेरे साथियों के शाम होने के बाद इस रोड पे लोग चलते नहीं थे, इस रोड पे दोस्तों शाम होने के बाद चलते नहीं थे। आज तो खैर बहुत अच्छी आबादी हो गई है, बहुत अच्छा जो है यहाँ पे डेवलप हो गया है। खैर मैं थोड़ी आबादी से थोड़ा दूर हूँ, बट इस रोड पे बोलते हैं उस ज़माने में, आज से 20 साल पहले, यहाँ पर बताते हैं कि भूत प्रेत का साया रहता है इस रोड पे अकेले शाम को जाने के लिए। पहले उस ज़माने में हम लोग बच्चे थे, तभी जो है मना किया करते थे और हम लोग आते भी नहीं थे। और कई बार जो है लोग बताते भी हैं कि इस जगह पर जो है ऐसा कुछ देखा भी गया है। अब तो खैर आबादी हो गई है। देखो दोस्तों, जहाँ पे आबादी होती है, जहाँ पे चहल पहल हो जाता है, वहाँ पर वैसे भी जो है ना, जो भी साया वाया होता है सब ख़त्म हो जाता है, पर उस ज़माने में इतना चहल पहल नहीं था। जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे नदी है, नदी मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये नदी से होके जो है ना, मेरा बचपन का हिस्सा कुछ गुजरा है, जिस नदी के होते हुए ये जंगल जो है ना, ये आम का बाग है, ये पूरा जंगल नहीं है बट आपको जंगल लग रहा होगा। तो बीच में से जो है ना एक नदी गई हुई है, जो नदी के सहारे जो है ना मेरी नानी के गांव जाता है। तो मेरी नानी का गांव इधर ही है, जो कि मेरी नानी अब फौत हो चुकी है, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। तो ये देख सकते हैं ये रास्ता है, वहाँ पर नदी है, और ये नदी में बताते हैं उस ज़माने में मैं ख़ुद उस चीज़ को देखा हूँ और उस चीज़ को जो है ना यानी फेस किया हूँ, कि नदी में जब मैं आ रहा था और मेरी बहन जब हम छोटे थे, 9-10 साल की उम्र थी,
तो हम काफ़ी सन्नाटा हुआ करता था ये रास्ता, अंदर से रास्ता है, अब ये बंद कर दिया गया है, अब रास्ता है नहीं। और बरसात का टाइम है, पानी लगा हुआ है, और रास्ता थोड़ा बहुत अगर है भी तो वो ख़राब हुआ पड़ा है। तो हम लोग बीच में, इंसान के बीच में दोस्तों, जो नदी होती है ना, नदी के बीच में एक आदमी को मैंने चलते हुए देखा था। जबकि बताते हैं कि ये जो नदी है काफ़ी गहरी है, और नदी के बीच में एक आदमी को हमने चलते हुए देखा। जब हमने देखा, देखो 8-9 साल की उम्र में इंसान को इतना तो समझदारी हो जाता है कि पानी में कोई चल नहीं सकता है, और वो नदी काफ़ी गहरी थी और बीच में आदमी चल कैसे सकता है। हमने अपने आँखों से देखा था बचपन में, और ये एरिया पूरा जो है ना सन्नाटा रहता था, और इस एरिया में नदी है, जंगल के बीच में जिससे नदी है। तो आज जाहिर सी बात है, उस टाइम में आज से 20 साल पहले की बात है, उस टाइम में काफ़ी सन्नाटा हुआ करता था और भी ज़्यादा। तो हम लोग जो है यानी चल दिया अकेले, और वो चीज़ नज़ारा देखा हमने, और बीच में बिल्कुल बीचों बीच आदमी चल रहा था और हमारी तरफ आ रहा था। तो फिर हमने जो है ना, मेरी बहन ने स्पेशली जो है उस वक्त दिमाग लगाया था कि एक काम करते हैं, सबसे पहले दौड़ के वहाँ तक कौन पहुँचे, यानी ऐसा होता है ना। तो मेरी बहन ने ही दिमाग लगाया, और फिर मैं समझ गया कि मेरी बहन ये दिमाग क्यों लगा रही है। छोटी सी थी और मैं भी छोटा सा था, यानी 8-9 साल की उम्र थी। तो फिर हम जो है ना, यानी एक दूसरे के रेस लगाने के, यानी उसमें हम लोग दौड़ना शुरू कर दिया, और वो फिर उसकी रफ्तार और भी बढ़ गई। और यानी कि उस टाइम जब ऐसा हुआ था कि हम लोग जब बच के निकल आए थे रोड पे, तब ऐसा लगा था कि हम लोग जो है ना एक तरीके से नई ज़िंदगी मिली है। उस दिन का बहुत खौफनाक दिन था, और पता नहीं वो क्या था, नदी के अंदर इंसान था या फिर, वैसे बहुत गहरी नदी थी दोस्तों, नदी वाकई में आप समझ सकते हैं गहरी होती है। तो जब मैं इधर से गुजर रहा था तो वो बात याद आ गई मुझे दोस्तों। अब तो खैर काफ़ी रोड बंदे चल फिर रहे हैं, खूब आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये कहानी थी बचपन का, थोड़ा सा जो है एक जो है एक हादसा गुजरा था, तो वो मैं सोचा कि मैं आपको बताऊं इस रास्ते से। तो यहाँ पे एक नदी है, वो नदी मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों ये देख सकते हैं, यही नदी है। अभी पानी कम है, पानी है नहीं, जबकि सावन का महीना अभी शुरू हुआ है, बारिश अभी शुरू हुई है। इधर देख रहे हैं बंदर दिखाई दिया, बंदर से जो है ना मुझे बहुत डर लगता है दोस्तों, है ना। तो ये नदी है, इसमें पानी है नहीं, दिखा दिया। तो ये पानी है, ये नदी है, इसी नदी की मैं बात कर रहा था। देख सकते हैं कितना घना जंगल टाइप का लग रहा है। तो इसी में बताते हैं कि इधर आगे मेरी नानी के गांव तक से पहले तक ये नदी गया हुआ है, और ये अभी पानी है नहीं, पर इसी नदी के सहारे जो है ना पहले रास्ता था उधर से। तो उधर से मैं और मेरी बहन जो है छोटे थे तो आ रहे थे, अब पहले उस टाइम में भरा और भी चौड़ा हुआ करता था, और काफ़ी पानी हुआ करता था उस टाइम में। देख रहे हैं कितना गहरा है, और ये पूरा भराट तक जो है ना ऊपर तक पानी रहता था। अब ये देख सकते हैं बीच में आदमी कैसे तैर सकता है, उस टाइम में नदी और भी चौड़ी थी। तो ये एक ट्रेजडी थी मेरे बचपन की, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊँ। ये देख सकते हैं बंदर है, पता नहीं आम तोड़ के खा रहे हैं क्या, ये देख सकते हैं ये। तो दोस्तों ये जो मेरे जो घर के आसपास का, मेरी बहन के गांव का एक छोटा सा जो है एक वीव है, ये आप देख सकते हैं। इधर भी पानी अभी है नहीं, पानी सूखा हुआ है। इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, पानी है नहीं, वैसे इसमें पानी जो है ना पूरा भरा रहता था ऊपर तक, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ तक पानी भरा रहता है। तो ये देख सकते हैं कुछ लड़के हैं गाँव के, तो यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा जो है ना यहाँ पर टाइम पास होता है, और काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है, और बहुत ही अच्छा जो है ना मौसम भी हो रहा है। तो यहाँ पे टाइम पास के लिए जो है ना, अगर 2-4 दोस्त यार यहाँ पे आ गए, अगर टाइम पास किया जाए ना, जैसे अगर खाली टाइम है तो टाइम पास किया जाए तो खूब अच्छा बढ़िया टाइम पास हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है, आप देख सकते हैं। और कैसा व्यू लग रहा है आपको वो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। तो और भी अभी पूरा जो एरिया है मेरा, मेरे गाँव के आसपास का जो भी कहानी है, और दरभंगा का बहुत ही एक अच्छी विशेषताएं हैं, एक अच्छा व्यू हो सकता है। तो हर दिन अलग अलग एक नई नई कहानी, एक नया नया सफ़र मैं आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों मैं अपने बहन के घर आ गया हूँ, और मैंने सोचा कि ये जो सफ़र है ना वो आपको मैं एक्सप्लोर करके दिखाऊँ, थोड़ा बिहार का दरभंगा का थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको दिखाऊँ। वैसे तो आपको बहुत सारा चीज़ दिखाना है दोस्तों, बस आप बने रहें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मैं मिलूँगा आपको बिहार के दूसरे एक्सप्लोर में, वीडियो में एक्सप्लोर करूँगा, उसमें मिलूँगा मैं आपसे।
और बहुत ही अच्छा और शानदार सफ़र होने वाला है दोस्तों बिहार का, और मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा इसमें भी आपको फुल एन्जॉय मिले यहाँ की वीडियो में भी, और मिलेगा बिल्कुल, आप देखते रहना दोस्तों। तो जब तक आप अपना ख्याल रखना, खुश रहना, और ठीक है दोस्तों, अलविदा दोस्तों, बाय।